हेलो दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ सब्जी बनाकर दिखाएंगे जो हमारा मम्मी कुकिंग बनाएंगे, कुछ सब्जी बनाएंगे। तो आज आप हम आपको दिखाएंगे जो सीम और आलू टमाटर ऐसे सब सब्जी डाल के एक सब्जी बनाएंगे, सूखा मच्छी भी उसमें ऐड करेंगे और झींगा का भुजिया हम दिखाएंगे। और चलिए दोस्तों, हम फिर दिखाते हैं आप लोग को कुछ कुकिंग के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए दोस्तों, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। बस आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मम्मी सब्जी काट रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मम्मी अभी यहाँ मसाला पीस रहे हैं सब्जी के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, मम्मी अभी मसाला पीस के ले आए हैं, ये सब्जी काट के रखे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी सूखा मच्छी धो रहे हैं, सब्जी में डालेंगे। ये सूखा मच्छी है, इसको सफाई करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला अभी सब्जी के लिए मम्मी मसाला डाल दिए कढ़ाई में। अब सब्जी डालेंगे, पहले टमाटर डाल दिए, तो दोस्तों आज देख सकते हैं दादी माँ कुछ यहाँ धान का कुछ अमल कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, देख सकते हैं। आज दादी माँ क्या बोलने वाले हो, बोलो, हाय कर दो थोड़ा दादी माँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, उम्र ज़्यादा हो गया फिर भी काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ, आज देख सकते हैं दोस्तों, मौसम भी बहुत ख़राब है, शायद बारिश बारिश होने वाला है। ये देख सकते हैं मौसम आज बहुत ख़राब है। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरा घर इधर ही है और मैं अपना बाड़ी में खड़ा हूँ अभी। चलिए दोस्तों, आप लोग को फिर मम्मी का कुकिंग दिखाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये करेला का पौधा देख सकते हैं, ये करेला इसमें अभी। ये देख सकते हैं दोस्तों, करेला अभी इसमें हुआ है, छोटा छोटा करेला हुआ है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये करेला का पौधा है ये। तो दोस्तों, सब्जी अभी गल गया है, देख सकते हैं। इसमें अभी सूखा मच्छी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, सूखा मच्छी अभी डाला जा रहा है। बोला
आप देख सकते हैं दोस्तों, सूखा मच्छी के ऊपर अभी सब्जी डाल दिया मम्मी। बाबा क्या खुशबू है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी सब्जी बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों सब्जी अभी रेडी हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाएंगे झींगा का भुजिया। देख सकते हैं दोस्तों, झींगा मच्छी में अभी हल्दी डाल दी है, नमक भी डालेंगे। ये रहा नमक, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए। अभी कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। ये देखिए कितना स्वादिष्ट झींगा है, छोटा छोटा झींगा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, झींगा अभी भूज दिए हैं। इसमें अभी प्याज मिर्चा ये सब डाल के इसको भूजेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हरा मिर्च और प्याज काट के रखे हैं, अभी झींगा को भूजेंगे। तो दोस्तों झींगा अभी बन के रेडी है, झींगा का भुजिया अभी बन के रेडी हो गया। ये देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट बना है, कितना सुंदर भी दिख रहा है। ये देख सकते हैं, वाह 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 वाह। ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा मम्मी ने साग लगाया है ये, और इसके चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मूली का पौधा भी है। कितना खूबसूरत लगता है ये साग। और दोस्तों ये देखिए केला भी हुआ है, ये मेरा बाड़ी में केला का पेड़, देखिए ये केला है। मेरा मम्मी ने बहुत कुछ पौधा लगाया है, ये देख सकते हैं। मिर्चा का पौधा भी लगाया है, ये मिर्चा का पौधा है, ये देख सकते हैं। ये सब मिर्चा, ये चारों तरफ हम ये सब जाली वाली घेर के रखे हैं ताकि कोई गाय या बैल आके खा ना जाए, इसलिए। ये देख सकते हैं मिर्चा अभी हुआ नहीं है, अब हो जाएगा। ये पपीता है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। मम्मी बैठ गए अभी खाना खा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये हम जो सब्जी बनाए थे सूखा मच्छी डाल के, और वो है झींगा, देखिए प्याज प्याज डाल के बनाए थे, ये दाल। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा,
प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जान को भूल गया बच्चों।